जो लड़के की आदतें हैं वो हाँ लड़का लिरिक्स में भी बता ही रहा है, पर वीडियो में भी जो शूटिंग साफ चल रही साफ है दिखा आदतों दिया। की वजह से वो शूटिंग नहीं कंप्लीट हो पा हाँ रही। हेलो हेलो गाइस, तो गाइस, गाइस वे बैक विद अनदर रिएक्शन इस वीडियो। वीडियो में हम रेट करने वाले हैं केयरलेस सॉन्ग बाय कुराला मान जी। इसमें लिरिक्स हैं कुराला मान जी की और बलकरण टिल्लो जी, म्यूजिक है देसी क्रू और फीमेल लीड है रुमान अहमद। इनको शायद देखा हुआ है, परमीश शर्मा जी के गानों में भी थे रुमान अहमद, अच्छा मैंने तो नहीं, मुझे अभी याद मतलब नहीं है। शक्ल से याद आ जाएगा, नाम से अगर नहीं आया तो। गाइस सुनते हैं कुराला मान जी का केयरलेस सॉन्ग, और ये लेटेस्ट ही आया है और ट्रेंडिंग पे चल रहा है। पै गई पागल भी है में हस हस पै गई पागल भी है में हस हस पै गई मगर भी है में हस हस। हाँ, ये तो अल्लड़ शराबी दे बस पै गई, ये अल्लड़ शराबी दे तू बस पै गई पागल भी है में हस हस पै गई। रोवेगी नी अखा बिच लेके मुक्कियां जदों सजरा प्यार सिरे चाड़ना होया तेरी गाली गुनी दित्ती तेरी गानी गुनी बेच दूंगा जे गबरू तो दारू दा जुगाड़ जुगाड़ ना ना होया। होया। और ऐसा भी बोले ना जो जेड़ा तू रोएंगी अखां दे विच मुठियां पा पा के चकना पू कच दे गलास वांगू रखना पू और कतो लग चे नी तोड़ जट नू बारी बारी उठ उठ तकना पू आओ हो गई सतानी जदो तोड़ जट दी लख मिनता ना तैथो करे बाड़ना होया तेरी गाली गुंडी बेच दऊगा जब गप्पू तो दारू का जगाड़ना सपना। आओ बोतल नु पहिंदे जदों हाथ बलिए सिर ते नी दींदी फिर छत बलिए अखने जे देखी कदे कोर आले नी फूल आला टिल्लो टिल्लो हुंदा वो लिरिसिस्ट का नाम है, दो हाँ। लिरिसिस्ट है टिल्लो हुंदा वत बलिए, शायद नशे में लुत्त हो उस चीज मतलब जो उल्टियां आती हैं उसको भी बोलते हाँ, हैं ना। हाँ, 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 हाँ। बड़िया ने किते टूने माने मानते पर किसे तो भी कुछ भी बगाड़ना होया जित्ती तेरी गानी गुनी बेच दऊंगा जब गप्पू तो दारू का जगाड़ना होया जित्ती तेरी गानी गुनी बेच दऊंगा जब गप्पू तो दारू का जगाड़ना होया। आओ गप्पू दे दिल किथे मैल गोरीये दारू बिना लाया नी कोई बैल गोरीये अच्छा बोतल तो बच गई पट होनी नहीं पर मोबाइल टूट गया क्योंकि बोतल ज्यादा प्यारी है ना। आओ कपूरू दे दिल किथे मैल गोरीये दारू बिना लाया नी कोई बैल गोरीये बोतल तो बच गई पट होनी नी फुट गया नवा नी मोबाइल गोरीये खत
सांभी बैठा एक मर जानी दा जेड़ा अज तक मैथों गुड़े साड़ ना होया काफी मजेदार सा गाना था क्योंकि कुराला मान जी कितने सही लिरिसिस्ट हैं वो हमने पिछले गानों में भी देखा हुआ है जो इनके गाने सुने हैं। इस गाने में भी पता लगता है कि क्या इमेजिनेशन है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि यार रियल में ऐसे होंगे, पर एक इमेजिनेशन ही थी कि वो दारू वाली थीम को उठा के क्या गाना लिख दिया। मतलब सब कुछ दारू है इनके लिए और कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। जो हुक लाइन भी ऐसी थी कि जे दारू दा जुगाड़ ना होया तो तेरी गानी बेच दूंगा, वो एंड में दिखा भी दिया कि पैसे नहीं थे देने के लिए, वहां पे शूटिंग रुकी हुई है। हाँ। पैसे नहीं थे देने के लिए फिर भी उन्होंने वो गानी बेच दी। मतलब हर पैराग्राफ में यही चीजें बताई हैं कि अथ ने मतलब शाम को आके कुराले पिंड जाके देख ली तो वहां से भी पता लग जाएगा कि टिल्लो है जो वो दारू में लुत होते हैं। हाँ। ठीक है, टिल्लो दूसरे जो लिरिसिस्ट है उनका नाम था। और बाकी थ्रू आउट शायद लड़की प्यार में आ रही है पर उसको बता रहे हैं कि मैं एक दारू पीने वाला बंदा हूँ और बहुत सारी चीजें जो मेरी क्वालिटीज हैं मैं ये करता हूँ और ये कर दूंगा, वो सब बता रहे हैं। हाँ। लड़की को। और इस वीडियो में एक और चीज की शूटिंग चल रही है, वहाँ पे एक विलन है एक हीरो है और लड़की हीरोइन है ना। हाँ। तो जो लड़का और लड़की हीरोइन हीरोइन जो शादी वाला सीन चल रहा है ना वहाँ पे लड़की उनकी तरफ देख के हंस लेती है ना, तो वहाँ पे मतलब वहीं से स्टोरी स्टार्ट। कहने का मतलब यही है कि जो लड़के की आदतें हैं वो लड़का लिरिक्स में भी बता ही रहा है पर वीडियो में भी जो शूटिंग चल रही है आदतों की वजह से वो शूटिंग नहीं कंप्लीट हो पा रही है। डायरेक्टर भी परेशान हो गया, सारे आर्टिस्ट परेशान हो गए हैं। बीच में वो लाइन भी आई थी, वो एक सीन आ रहा था जब वो किसी और लड़की के साथ शूट कर रहे थे डांस वाला, तो बहुत वो लाइन ऐसी थी कि बोतिया ने शायद वो बोलते हैं ना वश्च करन दा कोशिश की थी पर जट वश्च नहीं होया, जट टिक्को चीज दे वश्च है, टूने करन दी कोशिश की थी। तो उसमें सीन में भी लड़की जब ऐसे कर रही थी तो चाहे वो शूटिंग चल रही थी पर वो सीरियस लेके वो वहीं छोड़ के चले गए। इसमें जो शूटिंग दिखा रहे थे ना वहाँ पे जो हीरोइन है वो विलन से प्यार करती है। हाँ, हाँ, हाँ। और लड़का वहाँ पे बता रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ शराब से प्यार करता हूँ, है ना। और वही जब शूटिंग चलते चलते शाम पड़ गई तो कुराला मान जी मजे से अपना पीने चले गए। हाँ। वो सारे वेट कर रहे हैं पर ये एक थोड़ा कह सकते हैं मजेदार था, एक इमेजिनेशन थी, थोड़ा मजा आ रहा था सुनने में क्योंकि यार इनके जो पहले वाले सैड सॉन्ग भी है ना वो सैड सॉन्ग्स भी ये इनकी आवाज इतनी थोड़ी ना ऐसा आवाज एक वाइब वाली आवाज है। हाँ। कि एक पंगड़े वाला माहौल बना देते हैं, ऊपर से देसी क्रू का म्यूजिक तो बहुत मजा आता है इनको सुनने का। सैड सॉन्ग्स भी इनके जो पहले वाले हैं ना वो ऐसा ही लगता है कि उसपे भी नाचा जाएगा, ऐसे सैड सॉन्ग है। तो ये तो एक फन वाला सॉन्ग था। और इसमें जो इन्होंने मतलब फन वाली कुछ बहुत सारी लाइनें बोली है ना जिसपे मजा आ रहा था वो चीजें सुन के, जैसे हम नॉर्मली बोलते तू रोएंगी या कुछ है। हाँ, ना हाँ। उन्होंने उनको भी कैसे वो फन वे में किया था, अभी लड़की भी वो बातें एंजॉय कर रही बिल्कुल। थी बिल्कुल। पर कुराला मान जी की राइटिंग जैसे मतलब मुझे ये दोस्त भी बहुत अच्छे हैं आरनेत जी और कुराला मान जी, पर इनकी राइटिंग और इनकी इमेजिनेशन एक अलग ही लेवल की है। बहुत अलग तरह के लिरिसिस्ट हैं, ठेठ कह सकते हैं, ठेठ पंजाबी गबरू हैं जो पूरे एक बोलते हैं ना कि अपने पिंड का भी जिक्र करते हैं। हाँ। हर गानों में तो बिल्कुल वैसी ही इनकी लिखनी है, तो बहुत मजा आता है इनको सुनने का। चाहे इस वीडियो में उनकी अलग शूटिंग चल रही थी लेकिन जो भी स्टाइल दिखा रहे थे ना मुझे नहीं लगता इनको किसी भी वीडियो में किसी भी चीज में रीटेक लेने की जरूरत पड़ती होगी, है ना। क्योंकि इतना अच्छा स्वैग दिखा रहे हैं, इतना नेचुरल है, नेचुरल है, जो रियल लाइफ में नेचुरल है वैसे ही ये गानों में होते हैं। पर अभी वो जो भी मतलब अभी काफी साल तो इनको हो गए हैं पर ये आर्टिस्ट काफी राइज कर रहे हैं, जैसे आरनेत जी का नाम लिया, सिमर दोहराहा जी, ये मुझे तीनों ना थोड़े ऐसा भी लगता है कि तीनों फ्रेंड्स भी होंगे। हाँ। और एक जैसे लगते हैं वैसे जिस तरीके के गाने लेके आते हैं, पर बहुत सुपर हिट सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स हैं इनके। ये भी पंजाबी इंडस्ट्री का फ्यूचर है ना।
तो ठीक है गाइस, करते हैं इस रिएक्शन वीडियो को यहीं पे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दो लाइक, हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।